हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल अनु फ्रॉम रसिया। और मैं हूँ अनु। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दरअसल क्या है कि आज मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी और बस अनायास ही आप याद आए और मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये कहानी जो है वो मुझे बहुत अंदर तक छू गई। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी ने कहा है कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। सच, कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां आ जाती हैं कि उन झंझावातों में फंस करके हम अपने उद्देश्य को भूलने लगते हैं और ईश्वर से भी शिकायत करने लगते हैं कि ईश्वर ये आपने क्या किया। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि ईश्वर जो है वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करते हैं, पर हम ही हैं जो उन पर कभी कभी भरोसा छोड़ देते हैं। तो ये कहानी है ऐसे ही एक भक्त की, जो कि ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और वो जो है कि हमेशा ईश्वर की पूजा अर्चना करता था। सब कुछ उसका अच्छा चल रहा था और वो ईश्वर के बहुत करीब था। पर अचानक ही उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है और वो मंदिर आता है और अपने प्रभु को हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु, ये क्या मतलब है, ये आपने क्या क्या कर दिया। मैं मतलब वो एकदम असंतुष्ट उस समय अपने आप को प्रकट कर रहा था। तो और इसके बाद थोड़ा मतलब इस तरह से वो ईश्वर को थोड़ा सा कोसने लगा। तो ईश्वर ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम्हें ये सब बात समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ खड़ा रह रह करके बहुत बोर हो गया हूँ, तो एक काम करता हूँ, आज मैं थोड़ा घूमने फिरने निकल जाता हूँ। तुम आओ, आज मेरी जगह खड़े रहो, आज तुम मेरा दायित्व संभालो। तो उसने कहा ठीक है, उसको भी उसने सोचा मजा आएगा। तो लेकिन ईश्वर ने एक शर्त रखी उसके सामने और ईश्वर ने कहा कि देखो, तुम यहाँ खड़े तो रहोगे लेकिन तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तुम मूर्ति बनकर के खड़े रहोगे, भक्त आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और चले जाएंगे। तुम्हें उन्हें रोकना टोकना या मुंह से कुछ बोलना नहीं है। तो उसने यह शर्त मान ली और ईश्वर चले गए घूमने के लिए। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि एक सेठ आता है और सेठ आता है, हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करता है। जब वो लौटने लगता है तो उसके पॉकेट से उसका मनी पर्स नीचे गिर जाता है, वो देखता नहीं है और चला जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि एक गरीब व्यक्ति आता है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये तूने क्या किया, आज तो इतना भी इनकम नहीं हो पाया है कि मेरे घर में जो है मेरे बच्चे भोजन कर सकें, और प्रभु मैं क्या करूं, कुछ सहायता करो। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, देखा सामने पर्स पड़ा हुआ है और उसने उठा लिया पर्स, देखा उसमें कुछ पैसे हैं। उसने भगवान को धन्यवाद किया, भगवान आपकी लीला अपरंपार है, आज क्या मेरे बच्चे 2-3 दिन भर पेट भोजन कर सकेंगे, बहुत धन्यवाद दिया ईश्वर को और चला गया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वहाँ एक नाविक आता है और नाविक क्या करता है, वो आता है, प्रार्थना करता है और ईश्वर से कहता है, प्रभु मैं 15 दिनों के लिए अपनी नाव लेकर के थोड़ा समुद्र में निकल रहा हूँ, तो मेरे पत्नी और बच्चों का ख्याल रखिएगा और मेरे साथ भी रहना प्रभु, जो है कि हमारी रक्षा करना। इस तरह की प्रार्थना करके जब वो लौटने लगता है, देखता है कि पीछे पुलिस खड़ी है और वो सेठ खड़ा है। तो सेठ ने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरा पर्स इसी ने चुराया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद यही आया होगा और इसी ने चुराया है। उसने कहा, नहीं भाई, मेरे पास कोई पर्स वर्स नहीं है, मैं क्यों तुम्हारा पर्स चुराऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो लेकिन पुलिस मानी नहीं, उसके लगाए हुए इल्ज़ाम के आधार पर वह जो है नाविक को पकड़ कर लेकर के जाने लगी। तभी वो मूर्ति बना हुआ भक्त बोल उठा, उसने कहा, अरे नहीं भाई, ये तो पर्स नहीं चुराया है, पर्स तो एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है। तो पुलिस जो है वो गरीब व्यक्ति के घर जाती है, वहाँ से उसके पर्स लेती है, उसको सेठ को दे देती है और गरीब को जो है वो ले जा करके जेल में बंद कर देती है। नाविक भी जो है वो अपने काम पर निकल जाता है। शाम होती है, जब ईश्वर आते हैं तो भक्त बड़ी खुशी खुशी जो है वो ईश्वर को सारी कहानी सुनाता है, मगर आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसने सेठ और गरीब और नाविक की सारी कहानी जो है वो ईश्वर को बता देता है। तो लेकिन ईश्वर कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने तो सारा सत्यानाश कर दिया। मैंने क्या है कि कोई योजना बना करके रखी थी, वो सेठ जिसके पास पैसे हैं, वो एक धनी व्यक्ति है, उसके अगर थोड़े से पैसे गिर भी गए तो उसका कुछ नुकसान होने वाला नहीं था, और वो जो गरीब व्यक्ति था जिसको वो पर्स मिले थे, उसके घर में 2-3 दिन रोटी बनती, उसके बच्चे खुशी खुशी भोजन करते और वो खुश रहता 2-3 दिन, और जो नाविक था
वो अगर 2-3 दिनों के लिए जेल चला जाता तो वो मरने से बच जाता, क्योंकि वो जिधर नाव लेकर के जा रहा था उधर बहुत तेज तूफान आने वाली थी और उस तूफान में उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने इस तरह की योजना बनाई थी जिसमें कि तीनों जो है खुश रहते और सुखी रहते, पर तुमने तो सारा सत्यानाश कर दिया। और भक्त यह सुनकर के जो है वो दंडवत लेट गया ईश्वर के सामने और कहा, ईश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी लीला को समझ नहीं पाया और मैंने सारा गड़बड़ कर दिया, ईश्वर आप कुछ करिए, कुछ जल्दी से कुछ करिए और सब कुछ ठीक कर दीजिए। ईश्वर ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो योजना सबके लिए, मैं इसी तरह से योजना बनाता हूँ और पर तुमने तो इस तरह से सब खेल ही बिगाड़ दिया। तो ये कहानी, जो छोटी सी कहानी है, वो हमें यही सीख देती है कि ईश्वर पर भरोसा हमारा अटूट होना चाहिए। हमारे जीवन में कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, उससे उबारने का काम भी हमें ईश्वर ही करते हैं, इसलिए ईश्वर से भरोसा हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहानी तो है बहुत छोटी सी, लेकिन जो है ये दिल को छू जाने वाली कहानी है, बहुत सारी सीख देने वाली कहानी है, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाली कहानी है, हमारे जीवन को बदल देने का काम करती है। तो इसी कहानी के साथ आज मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।